एनटीपीसी के 50 वर्षों के जश्न के उपलक्ष्य में एनटीपीसी सिंगरौली में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड की चर्चित प्लेबैक सिंगर ममता शर्मा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। ममता ने प्रसिद्ध हिंदी गानों पर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। उनका हर गाना कार्यक्रम में विविध रंग भरने का काम कर रहा था और दर्शक हर गीत के साथ झूम उठे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एनटीपीसी गीत से हुई। इसके बाद गणपति वंदना के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आगाज हुआ। तत्पश्चात मुंबई से आए सिंगर प्रज्योत सिंह ने अपने लोकप्रिय गानों दिल से रे और तू जो मिला है से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद स्थानीय कलाकार साहिल मिश्र ने शंकर महादेव द्वारा कंपोज किए गए गाना मितवा कहे धड़कन तुम से क्या शानदार प्रदर्शन किया, जिससे श्रोताओं में अपार सराहना मिली। कार्यक्रम में ममता शर्मा ने नए पुराने कई लोकप्रिय गाने गाए, जिससे समूचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद आम दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस कार्यक्रम में एनटीपीसी की 50 वर्षों की सफलता को धूमधाम से मनाते हुए सांस्कृतिक विविधता और ऊर्जा के उत्साह को दर्शाया गया। परियोजना प्रमुख राजीव अकोटकर ने अपने संबोधन में सभी को एनटीपीसी के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सहयोग व समर्पित भाव से योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही एनटीपीसी की गौरवशाली उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। इस भव्य आयोजन में एनटीपीसी की ऊर्जांचल की तीनों इकाइयों के परियोजना प्रमुख ईसत फड़ी कुमार, परियोजना प्रमुख एनटीपीसी विंध्याचल पंकज मेदीरत्ता, परियोजना प्रमुख एनटीपीसी रेहन राजीव अकोटकर, परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सिंगरौली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और आसपास की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और हजारों की संख्या में स्थानीय दर्शक मौजूद रहे। और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पूरी आशा है कि हमारे आगे आने वाले कार्यक्रम भी इसी तरह से सफल होंगे और आप लोग फुल एंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। हम लोग इसी जोश खरोश के साथ में सारे कार्यक्रम मनाएंगे। धन्यवाद। सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।